धोखा तो नहीं दोगे? आपको मैं ऐसा लगता हूँ? लगते तो आप ऐसे वैसे ही हैं, लेकिन अगर धोखा दिया ना तो जान ले लूंगी मैं। आप प्लीज अपनी बच्ची का नाम याद करने की कोशिश करें, वरना इस तरह उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद, उम्मीद ही तो नाम है मेरी गुड़िया का। एक बात कहूं आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। सख्ती करें इसके ऊपर, इसका ये बचपना इसके लिए आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। नुकसानदेह एक बात कहूं आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। उम्मीद, एक तो तुम्हारा ड्राइवर भी कॉल पिक नहीं कर रहा है, और पता नहीं तुम कहाँ रह गई हो। यहाँ तुम्हारे खिलाफ जहर घोला जा रहा है और तुम ही नहीं हो यहाँ पे। अल्लाह, आगू जान का गरारा तो मिल गया, मगर मेरी आगू जान गुम हो गई है। बस उम्मीद बाजी, लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। तुम तो चुप ही रहो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आगू जान गुम हो गई है, तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय तुम सब कुछ अल्लाह पर डालकर आजाद होने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो बचोगे तुम भी नहीं। उम्मीद बाजी, बिला बजा मेरे ऊपर ये डाल रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसी कैसी बातें कर दी, अरे कम से कम मेरे होने वाले बच्चों का तो ख्याल करें। ज्यादा ड्रामे नहीं करो और गाड़ी अंदर पार्क करो। गाड़ी अंदर नहीं लग सकती, पहले से किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर। कोई मेहमान आए? हाय अल्लाह जी, अब क्या मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी? ये दिन भी देखना रह गया था। अरे उम्मीद बाजी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पास तो इतने पैसे हैं। बेवकूफ, पैसों से आगू जान थोड़ी मिल जाएंगी। उम्मीद, स्ट्रांग बनो स्ट्रांग, अब ये कयामत आ ही गई है तो तुम्हें फेस करनी है। सो समीर, क्या करते हैं आप? बाबा की मुताबिक कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मगर खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। दुनिया की खूबसूरती अपने नजर से पेंट करता हूँ। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे तो बैठ के आपका काम देखेंगे। डोंट वरी, अगर आप सबकी तरह इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आई वोंट माइंड। आ गई हैं आप? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और खबरदार, खबरदार जो आपने मुझे डांटा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझसे मेरी आगू जान खो गई है, एक नहीं बल्कि दो कप चाय के लिए गवा दिया मैंने अपनी आगू जान को। मैं नहीं कहूँगी। चलें, इसी बहाने आपको आपकी गलती का तो एहसास हुआ। एक तो मेरी जान से प्यारी आगू जान खो गई है, ऊपर से आप मुझे मेरी गलतियाँ याद दिला रहे। नहीं मैं तो क्या, मैं तो हाँ, सच सच बताएं, मेरे घर में किस इरादे से आए हैं आप? चुगली करने के लिए आए ना मेरी? नहीं मैं तो वो आगू जान। हाँ क्या आगू जान? पता है मेरी आगू जान खो गई है, मुझसे कोई ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। आपको मेरी आगू जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद रिलैक्स, आगू जान को कुछ नहीं हुआ, वो घर पे ही है। क्या क्या कहा आपने? आगू जान अंदर? सच कह रहे? कैसे? मैं लेकर आया था उन्हें। आपको आगू जान कहाँ मिली? सड़क के किनारे पे मिली थी, जैसे आप मिली थी। आपकी तरह ही बातें कर रही थी तो मैं झट से पहचान गया कि आपकी आगू जान ही हो सकती है। देखिए, अगर आप मुझे ताने दे रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप मेरी आगू जान को घर पर लेकर आए, उसके लिए आपका थैंक यू। मगर आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं आगू जान के पास। अच्छा वो मेरे घर पे सबका मूड तो ठीक है ना? गुस्से में तो नहीं है कोई? पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने सब संभाल लिया, अब चाय मिले उनसे। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया और मुझे अच्छे लगे आप। थैंक यू। यू आर वेलकम।
हेलो हेलो प्यारी लड़की, बताओ क्या रिपोर्ट है? मैम, आज बॉस किसी लड़की के साथ लंच पर गए हैं। व्हाट? और तुम मुझे ये अब बता रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये जॉब इसलिए दिलवाई गई है कि तुम पल पल की खबर रखो और मुझे रिपोर्ट दो। सॉरी मैम, एक्चुअली ऑफिस में आज बहुत काम था और फिर उस चुड़ैल को बॉस के साथ देखकर मेरा तो दिल ही टूट गया। फिर होश ही कहाँ था कि मैं आपको कॉल कर कुछ बताती। क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कुछ नहीं मैम, मैं बस उस लड़की के बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने बॉस पे कोई काला जादू करवा रखा है। मतलब हमारे बॉस तो किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाते और उससे तो प्यारी प्यारी बातें करके मुस्कुरा रहे थे। अच्छा बस बस बस, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बताओ, नाम पता चला? मैम वो कह रही थी रीना नाम है और बता रही थी कि आपके कोई रिश्तेदार भी है। रीना? मैम आप बिल्कुल परेशान ना। मैंने सोच लिया है कि अब वो लड़की आएगी तो मैं उसको बॉस से बहुत दूर रखूंगी। नहीं, रीना और फरजाद पास पास रहे बहुत अच्छा है, बस कोई और पास ना आए। मीमी, मीमी। जी माँ, मैं यहाँ हूँ। मीमी, I have some great news for you. Okay. आज रीना और फरजाद एक साथ थे। फरजाद के दिल में रीना के लिए जगह बन रही है। ओ, आपने रीना की मामा से बात कर ली? Of course. बहुत जल्द कराची आ रही हैं। बस तुम अब जल्दी से शादी की तैयारियां करो। Oh God, I am so excited. सब कुछ बहुत धूमधाम से होगा। चले, best of luck माँ। अबू जान, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सही कह रही हो गुड़िया, मेरी ही गलती है। खामा खामे उस मनहूस मारे गरारे को ढूंढने निकल गई। गरारा तो ना मिला, बिला वजह की ख्वारी काटनी पड़ गई। आपको एक बात बताऊं? आपका गरारा मिल गया है? सच? कहां? अभी आपके लिए लेकर आती। अस्सलाम वालेकुम पाशा। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के बावजूद भी जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं तुम्हारे चेहरे पे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ पाशा साहब। अगर ये शर्मिंदगी अपने चेहरे पर ले आओ ना तो बड़ी खुशी होगी मुझे। अब ठीक है? लाहौल वाला कुत, कब सीरियस होगी तुम जिंदगी में? मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। नरमी? बस भी कर जाओ कमाल पाशा, जब देखो तुम मेरी बच्ची के पीछे ही पड़े रहते हो ना हाथ धोकर। मैंने कहा ना कि गलती इसकी नहीं मेरी थी। आप तो बीच में मत बोले। अब ये कसर रह गई थी कि बाहर से लोग आकर इसकी बदतमीजी की शिकायत करेंगे मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। उम्मीद? उम्मीद? उम्मीद मेरी बच्ची। बस भी करो घूरना। अच्छा, और जो आप वहां करके आई हैं वो? तुम्हारी शादी मैं एक पागल लड़की से नहीं करा सकती। सुना नहीं था, उन्होंने कहा था उसको नफ्सियाती डॉक्टर देखने आता है। अम्मी पहली बात तो नफ्सियाती डॉक्टर नहीं, नफ्सियात का डॉक्टर होता है। व्हाटएवर। और भाई मुझे तो उम्मीद ठीक ठाक लगती है, ऊपर से अम्मी 2 करोड़ सोचे हमारे होंगे। 2 करोड़ का हमने अचार डालना है। बहू को सुघड़ होना चाहिए और हया सुघड़ है। ये देखो कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। जहर लगे या शहर, शादी तो तुम्हारी हया से ही होगी। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, फंक्शन तो फिर भी होगा। मैं शादी पे भी नहीं जाऊंगा। शादी पे तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। ठीक है तो आप अच्छों को ले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उम्मीद आगे खोलो, आगे जाने को देखिए पाशा साहब। आखिर डरा डरा कर मेरी बच्ची को मारे ना। अरे आप तो कुछ भी कर देती है, वो जिंदा है। क्या हुआ? अम्मी
मेरे देखे। उम्मीद, हाय उम्मीद, क्या हुआ से? उम्मीद शराफत से उठ जाओ, मुझे पता तुम ड्रामे कर रही हो। मुझे क्या हुआ? बोल दे। बेचारी की जान का तो खून है। उसको क्या हुआ इसको? अरे ऐसा हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कोई सूर फूका इसने कि मेरी बच्ची का दिल ही बता दे। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पे क्या पड़ गया? कुछ नहीं क्या? मुझे पूछ लो। अरे मैं बस यहाँ के लिए किसके नाम लिखी बेटा? होश नहीं आ रहा है। लेके चलो हॉस्पिटल। एमपी हॉस्पिटल। मैं चाय आ गई है। वाह हया, तुम भी क्या खूब समझते हो ना मुझे। इधर मैं चाय के बारे में सोचते हो तो तुम चाय ले आती हो। बहुत चक्कर आ रहे हैं आपको जान। आशा साहब बाहर ही है ना? वापिस जा चुके हैं सब घर। शुक्र है बच गई। चोट लग सकती थी ना, गिरी थी बहुत। उम्मीद सच सच बताओ मुझे, तुम ड्रामा कर रही थी ना? कैसा ड्रामा? यही बेहोशी का। हया तुम कितनी शक्की औरत हो, तो उठा भी नहीं जा रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही थी ना, ये सारे राज उगल रहे हैं। हाय अल्लाह जी, ये जो चाय को देखने से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हाल और तुम्हारे माजी दोनों से वाकिफ हूँ। तू ड्रामा बंद करो। आगू जान, आपको क्या मैं शक्ल से ड्रामेबाज लगती हूँ? ये देखे, एक तो मेरी इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से मुझे बातें सुनाई जा रही है। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी दुआ से तुम्हारे चेहरे का नूर वापस आ गया। आपकी दुआओं से। और तुम यहाँ पर मेरी ईमानदारी करने आई हो या मुझे बातें सुनाने आई हो? अच्छा तो ठीक है, मैं चाय ले जाती हूँ वापस। खबरदार, जो तुमने चाय का मजाक किया। अब तुम ये चाय लेके दिखाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इधर दो मेरी चाय। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों शर्मिंदगी हो रही है? थोड़ी 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 तुम्हें दोनों शर्म से डूब रहना चाहिए। अच्छा ना, सॉरी ना, मुझे सब कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें भी खुश होगी। तुम हंस रही हो? पहले पता था। कसम से उम्मीद, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। अच्छा आगुजान, सॉरी ना, आप बैठे तो सही। मैं ठीक हूँ। देखिए ना, देखिए मैं ठीक हूँ। सॉरी। ये गोल गोल चक्रों का क्या चक्कर है वैसे? घबराहट हो रही है मुझे ना। अस्पताल में ही रहना चाहिए था, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था वहां से। यार अभी तो तुम अस्पताल से आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। कैसे रेस्ट करूं जब 2 करोड़ अस्पताल में पड़े हूं तो कैसे रेस्ट करूं? क्या कहा? कुछ नहीं। अब आप हया को फोन करें ना, जरा उम्मीद की खैरियत तो पूछे। क्या बात है जनाब, मैं कुछ दिनों से ही नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारी उम्मीद के लिए बड़ी मोहब्बत उमंड उमंड के बाहर आ रही है। सिर्फ मोहब्बत नहीं है, फिक्रमंदी भी है। पाशा साहब ने इतनी डांट टपट की है, पाबंदियां लगाई हैं। अगर इसके बाद भी उम्मीद घर छोड़ के चली गई तो? उम्मीद ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर कर लिया तो? ये तुम्हारा वहम है यार। जो भी हो, आपको ना अस्पताल में ही रहना चाहिए था। अगर वो अस्पताल से चली गई तो? तुम ऐसा करो, तुम आराम से बैठ के सोचो कि किन किन नामुमकिनात में से क्या मुमकिन हो सकता है। यार मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है।
आपको तनाव का फिक्र ही नहीं है, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं ना पाशा साहब से पूछती हूँ। जीनत यार अब जाना ही पड़ेगा। एक तो आगुजान में आपको और आपके गरारे को ढूंढ ढूंढ कर ना हलकान हुई भी थी, ऊपर से घर आई तो ओले बरसा दिए गए मुझ पे। नहीं बेटा, सर मुंडवाते ही। हाँ पता है, लेकिन मेरे साथ तो घर आते यही हुआ है ना। तो तुमने सोचा कि तुम सबको परेशान करके बदला लोगी उम्मीद? नहीं हया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया था। एक तो मेरा नन्ना सा छोटा मोटा सा दिल उस जंगेज खान के फातिहाना अंदाज और जहरीली मुस्कुराहट से जला बुना बैठा था, ऊपर से पाश साहब की आतिश पिछानी ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया। आतिश पिछाना ऐसे ही नहीं फटते, और वैसे ही फरजाद जलती पर तेल की पूरी शीशी छिड़क कर गया, बल्कि उलट के गया। पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने सब संभाल लिया, अब चाहे मेरे उनसे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखा, ये सब ना फरजाद की साजिश है। उसने जानबूझकर आगुजान को पहले किडनैप किया और फिर घर आके ड्रॉप करने ताकि हीरो बन सके। इससे तो मैं निपटूंगी। अरे भाई, तुम्हारे दादा ने मुझे कोई किडनैप नहीं किया था, मैं मंगनी के बाद खुद उनसे मिलने के लिए गई थी। वो तो वापसी पर गाड़ी खराब हो गई तो वो मुझे अपनी वेस्पा पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आए, तभी सबको पता चल गया। मगर तुम्हारे दादा जान पूरे हीरो थे, हीरो। वो डट कर मेरे अब्बा हुजूर का मुकाबला करते रहे। वाह बुजान, कितनी फिल्मी लव स्टोरी है आपकी। हाँ। पहले तो मैं अपनी कहानी के विलन से निपटू। हया चलो मेरे साथ। ओ हेलो, तुम भूल रही हो कि तुम पेशेंट हो, किसी ने देख लिया तो? मेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा ना? नहीं ना? नहीं। तो फिर चलो, मेरे पास एक आइडिया है। आगुजान, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरी जगह लेटना होगा। ओ नहीं 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 नहीं, तुम मरवाओगी, उम्मीद नहीं, मैं देख लूंगी। आगुजान नहीं। हेल्प करो ना। एटीट्यूड तो चेक करो, कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरी। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर दो, जान छूटेगी। हाँ बुजुर्गों की तरह ब्लॉक कर दो और फिर बैठकर जलती कुड़ती रहूँ। कॉल तो इसे मेरी उठानी होगी। इस बार तो उसने मेरी कॉल ही काट दी है, यकीनन डर रहा होगा। उम्मीद, उसका नाम फरजाद खान बहादुर है, डर ही ना जाए वो तुमसे। मेरी बात सुनो, तुम एक बार ना डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। माँ बहन तुम्हारे साइड पर हो। तो फिर चुप करके खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। दोबारा कॉल काट दी इसने मेरी। वाह भाई, वैसे तो ये साहब फौरन घर पहुंच गए, तब कॉल ही पिक नहीं कर रहा। क्या चीज है ये बंदा? चीज नहीं, ऐसा घटिया बुजदिल मगरूर इंसान ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, फसादी कहीं का। कॉल तो उसको मेरी उठानी पड़ेगी। फरजाद फोन उठाओ। जी फरमाए। बात सुनो, मैंने क्या तुम्हारी भैंस बकरी या मुर्गी चुराई है? चलो वो ना सही, क्या तुम्हारी चमचमाती गाड़ी घड़ी या फिर तुम्हारी ठाट वाली कुर्सी पर हाथ डाला है? या फिर तुम्हारे घर वालों या तुम्हारी फांसी को तुम्हारी असलियत बताई? नहीं ना, तो फिर क्यों हाथ धोकर, बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? देखे, मैं भी एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। बात सुनो, ये भरम ना किसी और को दिखाना, हो गए तुम सीईओ अपने घर के, अपने ऑफिस के, और वैसे अपने अब्बा की जाती कंपनी में सीईओ बनना ना कोई कमाल बात नहीं है। अच्छा इंसान बनना ज्यादा अहम होता है, और अगर जरा सी भी इंसानियत बची है ना तुम में, तो जो मेरे घर में रायता फैला कर गए हो ना, उसको आकर समेटो। क्या हुआ, कॉल काट दी? ये हाथों के भूत हम बातों से नहीं, लातों के भूत। उम्मीद आगू जान मत बनो, और वैसे भी इस दौर में प्रैक्टिकली लातें बरसाना पॉसिबल थोड़ी है, इसलिए हाथ ही रहे। मरियम,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? So good to see you. Sevia? आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत सर्दी लग रही है, जरा एसी तो बंद करना। मैं आपको अभी ठीक कर देती हूँ, सिर्फ एक मिनट। बस हो गया, हो गया। मुझे टीका क्यों लगा दिया? मैंने तो कहा था मुझे एसी को बंद करो। अरे आप कौन? और वो पेशेंट कहाँ है? ना तो तुम्हें मरीज की पहचान नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? हट जाओ। जी मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स हूँ। मैंने जो आपके इंजेक्शन लगाया ना, वो सिर्फ एनर्जी का था, उससे आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। देखिए प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं। ना तुम्हारी बातें मैं किसी को ना बताऊं और बाकी सबकी बातें तुम्हें बता दूं। जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अब जिसको देखो कभी आकर मेरा बुखार चेक करने लगता है तो कभी मुझे टीका ही लगा देता। अरे कल मुंह ही एसी तो बंद करके जा, बहुत सर्दी लग रही है। हाय हाय, टिश्यू होगा आपके पास? जी। मेरा दिल इतना घबरा रहा है, बार बार रोना आ रहा है। आपका कौन एडमिट है? मेरा बैंक अकाउंट जब खाली होने वाला, लाखों रुपए मेरी नजरों के सामने तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। जो भी प्लान बनाती हूँ वो फ्लॉप ही हो जाता है। मरीद की अम्मी, उनकी तो सुई अटक गई है हया पर, और उम्मीद वो तो अपने ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, मुझे पैसों की हवा भी नहीं लगने दे रही। और तो बात, अस्पताल कितना महंगा होगा ना, अब इसमें भी 3-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद से ना मुझे कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए खुद सोचना होगा, खुद सोचना। इसमें क्या है? कुछ नहीं, किताब है, अस्पताल में टाइम पास करने के लिए पढ़ रही हूँ। जीनत, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुके दिलवा दिया मैंने। जी पाशा साहब, वो मरीज पे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है ठीक है, आओ। उम्मीद इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर लिया? हम पिकनिक में नहीं आए हुए। मेरी जान मेरे साथ रहोगी ना, घर हो या हॉस्पिटल, ऐश करोगी ऐश। खैर मीमी मुझे ये बता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यार वो बस एक चैरिटी का इवेंट था, और माँ का तो तुम्हें पता है वो भाई की शादी की तैयारियों में कितना मसरूफ है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम्हें क्या हुआ यार? हजम नहीं हुई ये बात। उस खड़ूस की भी शादी हो सकती है क्या? बस रीना माँ की पसंद है। और वो मान गए? वैसे ये भी कमाल बात है, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर खुद अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। वाह, तुम्हारे साथ किया क्या है भाई ने आखिर? जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना, ये उनकी मेहरबानी है। क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए आगू जान को अपनी जगह लिटा कर आए। थोड़ी देर? इतनी देर होगी? चलो उठो, पता नहीं क्या कर रही होंगी वो वहां पे। हाँ आगू जान को भांडी ना मार दे। मरियम तुम ठीक से खाओ, बिल मैंने दे दिया है। हाँ एंजॉय करो, मैं आती हूँ आगू जान के पास। शुक्र है घर से कोई नहीं आया वरना दोनों जाते। कसम से यार बच गए, वरना तुमने तो ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी उम्मीद। बिफरजात की बहन। वैसे दोनों कहाँ से लगते हैं बहन भाई, एक मशरक है तो एक मगरब, और ऊपर से उनकी अम्मी जुनूब। हाँ तुम जाती हो ना वहाँ तो शुमार की अम्मी पूरी कर देती हो। वैसे कसम से सारे लोग कितने अलग अलग मिजाज के हैं, फुल फैमिली पैकेज। बकवास बंद करो, मेरा उनकी फैमिली में क्या काम? काम तो नहीं है लेकिन दिल तो वही लगा रहता है ना। छोड़ो फजूल बात और जल्दी खत्म करो, आगू जान को अंदर भांडी ना मार दे। चलो चलो फेंको उसको, तुम तो करने दो, जल्दी करो। आगू जान आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊं, पास आप किसी भी वक्त आते होंगे। आगू जान आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया?
अरे वाह मेरी आगू जान, क्या दिमाग चलता है उम्मीद की तरह। कर बेटा। बस ये कसर रह गई थी, अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी। घर आओ, मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब से जिंदा हो जाए तो उसको घर लेकर आओ। रामे सब और क्या। तौबा तौबा, यहाँ मैं रो रो के हलकान हो गई हूँ और तुम लोग की ड्रामेबाजियाँ खत्म नहीं हो रही। जिनत बस कर दो, हो सकता है बच्ची सहम के बेहोश हो गई हो। अरे तो खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, उठो चलो घर चलो, अगली पेशी ना घर में ही होगी। उम्मीद सच में बेहोश हो गई है। उम्मीद रहने दो, सब नाटक है। उठो उम्मीद, उससे पहले के पाशा साहब वापस आके तुम्हारे रहे सहे होश भी ठिकाने लगा दे। उठो और घर चलो, आओ बाहर। उम्मीद मेरी बच्ची उठो। हाँ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बस कर दो, बेहोशी का ड्रामा एक्सपोज हो गया सारा। उठो चले आगू जान, चलो हया चलो आ जाओ। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीनू? आप मेरा वेट कर रहे थे भाई। वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद बन गई। और आपकी उम्मीद साहब आप हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा, आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट, मेरी वजह से? जी, अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा, उसकी आगू जान मुझे बाहर मिल गई थी तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया। दैट्स इट। गुड, और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है, हां भी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। वो गरीब की लड़की है भाई। भाई अजीब तो वो कभी भी नहीं थी और अब तो गरीब भी नहीं रही है, और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसी ही बातें करते, लेकिन आपको इस सबसे का? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे, नंबर तो है वैसे भी आपके पास। I know उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। मुझे किस बात के लिए सॉरी कहना है? आपकी फोन वाली बात पर, मैंने भी तो आपका नुकसान किया था, आपका इतना महंगा फोन कुएं में गिरा दिया, तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आपको तो पता है ना मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। प्लीज 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 आज पाश साहब नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद क्या पाश साहब बुला रहे? नहीं नहीं वो तो आके सो गए, मुझे तो लगा आज मेरा काम तमाम ही कर देंगे। ज्यादा खुश ना हो, क्या बेटा तुम पर आएगी, क्योंकि मामला अभी खत्म हुआ है नहीं, बस फिलहाल मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया गया और बाकी मामला नाश्ते की मेज पे सेट किए जाएंगे। कल किसने देखी है, आज की फिक्र है मुझे सिर्फ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई, तुम जो ये रोज ऑर्डर कर रही हो ना बाहर से, इसका महाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुँच जाना है। हा? किसे परवाह, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। हाँ हाँ संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। लेकिन ये खजाना खत्म नहीं हो, बस एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दो, फिर देखो कैसे दूध पत्ती बेच बेच करना अरबपति हो जाऊंगी। मुझे इस दुनिया का फंडा समझ में आ गया, लोग चाय पीने के लिए लोगों के घर जाते,
और अच्छी चाय पीने के लिए दिल और गुटा दोनों बेच सकते। ये भी चली गई, कोई यकीन ही नहीं करता मुझ पर, लेकिन एक बार मुझे अमीर हो गया सारी दुनिया मेरे पीछे हो। बात सुने उम्मीद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने फिर पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे बाकी सख्ती की जरूरत है। आपको पता है आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, इतना स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। क्या आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद, सारी जिंदगी में अपनी मीटिंग से एक मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा। सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, तो मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना, आपकी डांट सुनना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे मुझे बुरा भला कहना आता है, मुझे इडियट। Why are you not understanding? I'm in love with you. प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। घर के दिन तेरे हवाले, मगर कर क्या उम्मीद, मैं एक एक को पसंद करती हूँ।